बताइए सुमित, आज का सुपर शेयर। शुभ्रा दीपाली, आज इंफ्रा स्पेस में वैसे भी काफ़ी बज हो रहा है और उसी स्पेस से जो कंपनी चुन के लाए हैं, गायत्री प्रोजेक्ट्स को चुना है। कंपनी रोड, हाईवे, कंस्ट्रक्शन के कारोबार के अंदर है। रिसेंटली करीब 1300 करोड़ रुपए के यहाँ पे कंपनी को ऑर्डर मिले थे उड़ीसा से, और करीब करीब 4200 करोड़ रुपए के ऑर्डर इस वित्त वर्ष में कंपनी को अब तक मिल भी चुके हैं। तो एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर इन्फ्लोज रहे हैं। कंपनी की कुल ऑर्डर बुक करीब करीब 12000 करोड़ रुपए के आसपास की, यानी कि अगले 8 सालों की जो रेवेन्यू विजिबिलिटी है वो काफ़ी हद तक क्लियर है कंपनी के इन ऑर्डर्स को देखकर। करीब करीब 1800 करोड़ रुपए के आसपास कंपनी की सालाना रेवेन्यू है। इसके अलावा FY18-19 में भी अनुमान लगाया जा रहा है करीब करीब कंपनी को 10000 करोड़ रुपए के आसपास के और ऑर्डर मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। कुछ और ऑर्डर मिल सकते हैं। इसके अलावा कंपनी माइनिंग, रेलवे, इन दोनों कारोबार के अंदर भी फोरे कर चुकी है, और इन दोनों कारोबार में विस्तार करने से भी कंपनी को फर्दर जो ऑर्डर है वो मिलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। वैल्यू वाइज भी एक साउंड शेयर है। इंफ्रा स्पेस में करीब 10 के मल्टीपल पर शेयर कामकाज कर रहा है, जबकि करीब 12.5 रुपए की ईपीएस है। तो एक वैल्यू वाइज भी देखें तो एक अच्छी वैल्यू पर अवेलेबल है। कैश ईपीएस करीब 32 रुपए के आसपास की है, जिससे कंपनी के एग्जीक्यूशन पार्ट में कोई दिक्कत नहीं आती है। सीक्वेंशियली भी कंपनी के लास्ट क्वार्टर के नंबर्स काफ़ी साउंड आते हुए दिखाई पड़े थे। एक रिपोर्ट जो कि एंटीक की है उसको रेफर किया जा रहा है। उनका मानना है करीब करीब 180 रुपए तक की चाल भी शेयर में आने वाले समय में देखने को मिल सकती है। गायत्री प्रोजेक्ट्स है आज का सुपर शेयर, जहां पर 180 के टारगेट्स देखे जा सकते हैं पोजिशन नजरिए से। अभी 148.80 के लेवल्स पर यह स्टॉक ट्रेड कर रहा है आज का सुपर शेयर दिन के ऊपरी स्तरों पर। शुक्रिया सुमित ये सुपर शेयर बताने के लिए। लेकिन अब बात करेंगे जी बिजनेस स्पेशल की, यानी गर्मी में कमाई कुल कुल, जहां हर रोज हम बात करते हैं एक ऐसी कंपनी के बारे में जो कि इस बार समर सीजन में बेनिफिशियरी हो सकती है। और इसी कड़ी में आज हमारे साथ सिम्फनी के मैनेजमेंट मौजूद हैं, मिस्टर हिमांशु शाह हैं जो कि डायरेक्टर हैं सेल्स एंड मार्केटिंग के सिम्फनी से। मिस्टर शाह, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू जी बिजनेस। सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि जो अर्ली फीलिंग्स हैं इस बार के समर सेल्स को लेकर वो कैसी मिल रही हैं? क्या लगता है कि पिछली बार के मुकाबले ये सीजन और बेहतर रहेगा? पिछले साल की तरह इस साल का समर भी बहुत भारी रहेगा, और हीट वेव करीब करीब देश के हर कोने में होने की संभावना है। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये सीज़न भी बहुत अच्छा रहेगा और सिम्फनी इसके लिए बिल्कुल तैयार है। अच्छा सर, तैयारी ये बैलेंस शीट में भी है या फिर सिर्फ सेल्स की ही होगी? तैयारी कहने का मतलब कि आपकी बैलेंस शीट दुरुस्त है? अगर सिम्फनी का आप ट्रैक रिकॉर्ड देखें, अगर आप सिम्फनी का ट्रैक रिकॉर्ड देख लें पिछले 5 साल का, तो आपको दिखाई देगा कि सिम्फनी हर तरह से तैयार है कस्टमर को सर्व करने के लिए, और वो ही बैलेंस शीट में बॉटम लाइन में ट्रांसफर करने के लिए। सो सिम्फनी हैज़ बीन ट्रेडिशनली ग्रोइंग एट 25% प्लस, एंड वी आर होपिंग दैट वी विल कंटिन्यू टू मेंटेन दैट मोमेंटम इन दिस ईयर, इन द ईयर्स टू कम, एंड इन दिस ईयर ऑल्सो इन दिस समर। मिस्टर शाह, आप जो कूलर बनाते हैं ना बहुत ठंडा कर देता है, ये आपके कॉम्पिटिटर्स को भी ठंडा कर देगा क्या? देखिए, ऑर्गेनाइज सेक्टर में आप देखें तो सिम्फनी का शेयर, मार्केट शेयर हमेशा 50-55% से ऊपर रहा है, और इस साल समर की पूर्व तैयारी के हिसाब से हमने करीब 35 से भी ज़्यादा मॉडल की रेंज हमने मार्केट में रखी है, जिसमें से 13 नए मॉडल हमने इस साल मार्केट में रखे हैं। तो ये मॉडल की प्राइसेस जो है 6000 से लेके 20000 है, और ये एक छोटे से छोटे डेस्क पर्सनल कूलर से लेके बड़े हॉल को कूल करने के लिए काफ़ी है। तो इतनी बड़ी रेंज सिम्फनी ही दे पा रहा है, और इसके मुकाबले में अभी और कोई ब्रांड्स इतनी रेंज नहीं दे पा रहा है। तो हमें विश्वास है कि कस्टमर को भी ये पसंद हर साल की तरह ये साल भी पसंद आएगी, और हमारा मार्केट शेयर बढ़ेगा इस साल भी। जी, कितना मार्केट शेयर बढ़ सकता है? क्योंकि ओवरऑल अगर हम देखें तो डेफिनेटली आप इस सेगमेंट में लीड करते हैं। मार्जिन, जैसा आपने खुद भी कहा, ओवरऑल मार्जिन आपके मोर देन 50% है। एयर कूलर सेगमेंट में भी शायद 38-39% के हैं। तो मार्जिन वाइज कितना परसेंटेज ग्रोथ और आप ऐड होती हुई देख रहे हैं टोटल मार्जिन में, और मार्केट शेयर कितना इंक्रीज हो सकता है? मार्केट शेयर में हम उम्मीद करेंगे कि करीब 3-5% मार्केट शेयर बढ़े, और उसी का इम्पैक्ट बॉटम लाइन में भी आ सकता है। खैर, आपसे भी और भी सवाल हमको पूछने हैं, लेकिन कोटेक के मिस्टर हेमंत भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी एक बार चर्चा कर लेते हैं। हेमंत, शुक्रिया समय देने के लिए। ओवरऑल पहले तो मैं मार्केट्स पे ही आपसे राय लेना चाहूँगा, क्योंकि ऐसे जंक्शन पे खड़े हैं जब हम वीकली मंथली एक्सपायरी भी देख रहे हैं और अर्निंग से ठीक पहले है, जीएसटी की चर्चा भी जोरों पर हो रही है।
आपका सुझाव क्या है उन ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स को, अभी बने रहे हैं अपनी पोजीशंस के साथ या फिर आपको थोड़ा सा मार्केट ओवरहीटेड भी लग रहा है? हाँ, गुड मॉर्निंग. मॉर्निंग सर. हम अगर देखें कि जो दिसंबर नवंबर दिसंबर में मार्केट में एक करेक्शन आया था, जो यू नो यूएस में नए प्रेसिडेंट का चुनाव हुआ, उसके बाद एक कंसर्न थी कि यूएस में इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेंगे और उसके पीछे सभी इमर्जिंग मार्केट में सेलिंग हुआ, जिसका इफेक्ट इंडियन मार्केट्स में भी नज़र आया. पर हमने देखा कि ये दौरान डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का फ्लो काफ़ी स्ट्रॉन्ग था. तो लास्ट दो साल से डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स इक्विटी की तरफ इन्वेस्ट ज़्यादातर ध्यान दे रहे हैं और कई सालों में सबसे ज़्यादा हमें फ्लोज दिखाई दे रहे हैं. ये ट्रेंड हमें लगता है आगे जाते भी बना रहेगा, क्योंकि सरकार प्रॉपर्टी और गोल्ड दोनों ही तरफ डिस्करेज कर रही है इन्वेस्टमेंट की तरफ. जिनको जेन्युइन डिमांड चाहिए उनके लिए हाउसिंग के लिए बढ़ावा दे रही है, बट जो इन्वेस्टमेंट डिमांड थी हाउसिंग और गोल्ड में उसको सरकार डिस्करेज कर रही है. तो हमें लग रहा है कि फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स और जिसमें इक्विटी भी आते हैं उसकी तरफ फ्लोस बना रहेगा. जनवरी से एफआई का फ्लोस भी जो आउटफ्लो था वो कम हो गया है एंड मार्च में हम देख रहे हैं कि इनफ्लोज भी काफ़ी स्ट्रांग है. कहने का तात्पर्य यह है कि मार्केट में भी फ्लोज का सिचुएशन काफ़ी अच्छा है. अभी क्या मिसिंग है वो है अर्निंग्स. दो साल से अर्निंग्स में कहीं कुछ ज़्यादा ग्रोथ नहीं आया है अगर हम ब्रॉडर मार्केट देखें तो. उसकी वजह से दो साल से मार्केट यहीं पे है. उम्मीद ये है कि 2018 में FY18 में हमें 15% से ज़्यादा का अर्निंग्स ग्रोथ दिखाई देगा, जो मेनली ग्लोबल सेक्टर्स है जैसे कि मेटल्स है और बैंकिंग है, उसमें अर्निंग ग्रोथ आना चाहिए. अगर ये आता है तो हमें आगे जाते बाजार में और राइज देखने को मिल सकता है. इसलिए अभी बाजार एक तक रुका हुआ है जो वहाँ पे डाउनसाइड में फ्लोस का सपोर्ट है, बट वहाँ से ऊपर जाने के लिए हमें अर्निंग्स की जरूरत है. जब ये मार्च के रिजल्ट अप्रैल और मई में आएंगे उससे हमें ज्यादा इंडिकेशन मिलेगा. बिल्कुल, ये बात आपने काफी वाजिब की कि लिक्विडिटी के दम पर चला, लेकिन अगला पड़ाव अर्निंग्स होंगे, शायद वहां से हमको मजबूती मिलेगी. लेकिन आज ना कोटेक की एक बैठक होने वाली है, ठीक बैठक से कई शेयर्स को कनेक्ट किया जा रहा था, लेकिन र्यूमर कैसे बाजार के अंदर प्ले करते हैं उसका एक क्लियर कट एग्जाम्पल M&M फाइनेंस का शेयर है. आप M&M फाइनेंस का शेयर देखिए, अभी दिन के निचले स्तरों पर है. कल जिस समय खबरें आना शुरू हुई थी उस समय शेयर चल रहा था, अब ये दिन के निचले स्तरों पर वापस लौट आया है. और कल भारत फाइनेंशियल का शेयर भी बहुत तेजी से टूटा था क्लोजिंग होते होते, तो दोनों ही शेयर्स में आज फिर से डिप अर्ली ट्रेड पे भारत फाइनेंशियल पे लग गया था. तो इन दोनों शेयर्स पे आपको थोड़ा सा संजीदा आपको जरा ध्यान रखना है. इन पर्टिकुलरली हिमांशु शाह इस बीच हमारे साथ बने हुए हैं, सिम्फनी के डायरेक्टर सेल्स एंड मार्केटिंग है. हिमांशु, एसी सेगमेंट को लेकर आपका पर्टिकुलर कितना शेयर ईटिंग आप कर सकते हैं, क्योंकि अब ना ये चैलेंज जैसा हो गया है. अब घरों में चर्चा ये होती है अगर एसी नहीं लगाना तो सिम्फनी का कूलर लगवा लीजिए, वो भी उतनी ही कूलिंग देता है. पर्टिकुलरली अब एक चैलेंज हो गए हैं अब उन एसी वाले लोगों के लिए, एसी मार्केट के लिए, ये कितना सेगमेंट उनका आप ईट कर सकते हैं आने वाले 2-3 क्वार्टर्स के अंदर? नहीं, ऐसा एक्चुअली वो कंपैरिजन अनफेयर है. हाँ. बट ये मैं ज़रूर कहूँगा कि एसी के मुकाबले कूलर एक ग्रीन कूलिंग देता है, इकोनॉमिकल कूलिंग देता है और ऑलमोस्ट कंफर्ट कूलिंग जो बोल सकते हैं वो आपको प्रोवाइड कर सकता है. उसके अलावा जो सिम्फनी के कूलर है वो वेल डिज़ाइंड एंड कंज्यूमर फ्रेंडली होने के कारण वो एक दिखने में भी अच्छे हैं, यूज़ में भी अच्छे हैं और लॉन्ग लास्टिंग है. तो ये ट्रेंड तो ज़रूर देखा जा रहा है कि एक लोअर लेवल का जो एंट्री लेवल का एसी का कस्टमर है वो भी एक कूलर को पहले कंसीडर करता है, खास करके सिम्फनी कूलर को, और उसके मुकाबले चयन करता है कि क्योंकि उसका इलेक्ट्रिसिटी सेविंग काफ़ी उसमें होता है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी कम होता है और वो लंबा चलता है. तो ऐसा मार्केट शेयर के हिसाब से कहना मुश्किल है, मगर हमने ये मार्केट ट्रेंड से देखा है कि एंट्री लेवल का कंज्यूमर जो है एसी का वो पहले कूलर को रिव्यू जरूर करता है, खास करके सिम्फनी कूलर को.